तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिंगल लॉजिस्टिक के बारे में। बेसिकली एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है सिंगल लॉजिस्टिक के अंदर, वो है कि बेसिकली शेयर जो है सस्पेंड किया जाने वाला है। जी हाँ, कल कंपनी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं 27 दिसंबर 2022 यानी कि कल रात को कंपनी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कंपनी ने बताया है कि जितने भी उनके जो शेयर है उसकी जो आखिरी तारीख है जो शेयर NSE BSE पर ट्रेड कर रहा है वो है 28 दिसंबर, यानी कि 29 दिसंबर से रिकॉर्ड डेट रखा गया है जब ट्रेडिंग को बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, ट्रेडिंग विल बी हाल्ट, यहाँ पे क्लियरली लिखा है 29 दिसंबर से ट्रेडिंग बंद की जाएगी, यानी कि अगर आज देखा जाए तो आज आपके पास मौका है। क्यों? क्योंकि 5% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया था कि 5% का डिस्काउंट, मतलब 5% दिया जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर्स को, वही दिया गया है। यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगाया गया है शेयर के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख वॉल्यूम लगा हुआ है बाइंग साइड पे। तो अगर आपके पास शेयर है तो बेच के निकल जाए, वो ज्यादा फायदे हो सकता है, क्योंकि सस्पेंड एक बार जब शेयर हो जाएगा तो फिर पता नहीं कब आएगा। क्योंकि देखिए, डिलिस्ट का मतलब होता है डिलिस्ट, सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता कि शेयर डिलिस्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता कि शेयर सस्पेंड हुआ तो अब डिलिस्ट हो जाएगा। हाँ, मोस्ट केस में ऐसा होता है कभी कभी कि शेयर सस्पेंड होता है, NCLT का शेयर है तो अंदर अंदर क्या पता बहुत बड़े कदम उठाए जाते हैं NCLT के द्वारा, तो अंदर ही अंदर शेयर सस्पेंड भी हो जाता है। लेकिन अभी टेक्निकली ये देखा जाए तो बस सस्पेंड किया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने या कुछ सालों में आपके शेयर फिर से NSE BSE पर ट्रेड करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन कंपनी की तरफ से बस एक अभी सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया है कि कंपनी सस्पेंड करने जा रही है शेयर को 29 दिसंबर से। तो यानी आज का दिन है आपके पास बेचने का, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर के पास देखें तो 5 करोड़ शेयर के आसपास फंसे पड़े हैं, तो देखते हैं कौन बेच पाते हैं, नहीं बेच पाते हैं, नहीं बेच पाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आने वाले समय में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।